क्यों क्या है? समकोण है। सवाल में बोल दिया है कोण क्यों क्या है? समकोण। चलिए समकोण है, जिसमें पी क्यू का मान क्या दिया है? चार सी एम दिया है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद क्यू आर का मान साइन पी टेन आर और कॉस पी का मान। तो सबसे पहले देखा जाता है कि समकोण भी दिया है लेकिन तीनों मान नहीं दिया है, एक मान निकालेंगे, थोड़े ऑफर दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, ए नंबर जो भी है। चलिए हल में दिया गया, अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण, कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, आर में। तो हम त्रिभुज ये तो सवाल में दिया था त्रिभुज ना, यस सर। पेपर में इसको नहीं छापेंगे हम, इसका खाली फिगर आप अलग बना लेंगे, ठीक है? इसमें हम अलग से एक क्वेश्चन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे पी क्यू आर, यहाँ पर क्यू क्या है? समकोण। समकोण इसका मान दे रखा है चार से, बोले सर? यस सर। इसका मान तीन, तीन से दिया बच्चों, यस सर। मान निकालना है, यस सर। कौन का मान निकालना है? चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों पी क्यू का मान हो जाएगा कितना? चार सी एम। चार सी एम, बोलिए। यस सर। क्यू आर का मान तीन सी एम। किसकी कमी है? कौन की? पी आर। कौन मतलब पी आर बराबर वाट? यस सर। बोलिए। यस सर। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पी आर का मतलब कौन हो गया बाबू? यस सर। अगर मन हो तो कौन लीजिए, कौन से पी आर लिखेगी पड़ी। अब लिखेंगे यहाँ की कमी है ना, लिखेंगे यहाँ से नाव पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? जो नहीं बनाए उनको बोलने दीजिए पाइथा, जो नहीं बनाए वो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ताकि समझ आ जाए बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कौन निकालना है हमको ना, लिखेंगे यहाँ से कौन किसको? पी आर। यस सर। लिखेंगे यहाँ से पी आर बराबर अंडर रूट, बोलिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यस सर। लंब तो ये है, आधार वाला लंब बोलते हैं, सोया हुआ को आधार। पी क्यू बोलिए कितना है? चार सेंटीमीटर। लंब का स्क्वायर? यस सर। प्लस आधार का स्क्वायर? यस सर। बोलो बच्चिया। यस सर। अब देखिए यहाँ से पी आर, यहाँ से पी आर बराबर बाबू, बोलिए पी क्यू का मान कितना है? चार सेंटीमीटर। कवर होगा? यस सर। बोलिए। यस सर। यहाँ जहाँ मेरा हाथ चला वहाँ दिखाइएगा। और क्यू आर का मान तीन है? यस सर। इनका स्क्वायर होगा? यस सर। पी आर बराबर? सोलह। सोलह प्लस नौ। और देखिए सुनिएगा ध्यान से, चार का स्क्वायर? सोलह। तीन का स्क्वायर? नौ। सोलह नौ पच्चीस। पी आर पच्चीस पाँच। पाँच सी एम, ठीक है? यस सर। पाँच सी एम। अब हमारा यहाँ पर बैठेगा मान पाँच सी एम। बहुत से विद्यार्थी यहाँ बिना बैठाए आंसर ला दिए, क्योंकि यहाँ मान बैठाना होता तब ना आप साइन पी और इसके अनुसार चलेंगे। मान लीजिए कौन लिखना रहेगा तो कैसे लिखेगा? मान बैठेगा नहीं किला, आपको कौन का मान लिखना रहेगा तो कैसे लिखे कौन का मान? भैया लिखाएगा, इसलिए यहाँ पर पाँच से लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी तरह हमेशा कोई बना जरा पेंसिल से। अगर यहाँ वाट लिखो तो कमेंट करो की पड़ी, फिर उसके बाद यहाँ पाँच लिखवा तो वाट लिख छोड़ देला, गलती बना देला कुछ, यही से गिजी मिजी ना होके फर्ज मिनट काउंट मिनट करके सड़ा देगा नहीं सुन। चलिए यहाँ लिखेंगे नाव, लास्ट वार्निंग है, अब निकालना है आपको क्या? साइन पी। ये देखिए पहला निकालना है साइन पी, दूसरा निकालना है टेन आर, कॉस पी। सबसे पहले साइन पी पर धावा बोलते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, पी के जब सीधा देता है साइन सीधा का होता है लंब बटा कर्ण, साइन पी के देखो साइन पी के हिसाब से लंब कहेगा तो फाल मारेंगे, बोलिए साइन पी के हिसाब से लंब का मान क्यू आर, बोलिए क्यू आर का मान और कौन बदलता है? जो नहीं लिखेगा पान से मैं चित्रवा में जो दिखेगा काटे हुए है, देखिएगा ना वहाँ पान से, वहाँ नहीं लिखोगे पान से तो कैसे लिखोगे वहाँ आंसर? एग्जामिनर समझ गया कि वो चीटिंग किया लगता है, यहाँ का मान बैठा है आपको, आप त्रिभुज के अनुसार बना रहे हैं, बोलिए त्रिभुज के अनुसार बना रहे हैं मेरे विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए कौन का मान क्या होगा? पाँच होगा, पाँच। चलिए आप बोलिए कितना करना है? टेन आर। देख लीजिए टेन का फॉर्मूला बताइए, लंब बटा टेन आर के हिसाब से लंब का मान
लंबा हाई तो बदलबे नहीं करेगा, नहीं सर। ए नहीं बदलेगा, नहीं सर। ए भी नहीं बदलेगा, नहीं सर। उल्टा होगा, यस सर। टैन आर के साथ लंबा मान देखो पी क्यू, यस सर। टी क्यू को मान चार, चार। ओकरे बाद चार से लंबा के अलावा टैन आर के साथ बदले, यस सर। टैन आर का होता है मतलब टैन का फॉर्मूला होता है लंबा आधार, यस सर। टैन आर के हिसाब से लंबा का उल्टा, यस सर। आधार देखिए हाई कौन हो गया बचवा, यस सर। ये ना होगा आधार, यस सर। हो जाएगा तीन, तीन। जो जो गलती बना सुधार लीजिएगा। ए वम क्या निकालना है, कॉस पी, कॉस पी। कॉस का फॉर्म होता है आधार बटा कॉर्ड। तो कॉस पी के हिसाब से मेरे बाबू, कॉस पी के हिसाब से आधार देखिए हाई कौन होगा बच्चा, यस सर। कॉस पी के हिसाब से मतलब कि कॉस हाई तो लंबन हो जाएगा जी, यस सर। आधार निकालना है, यस सर। कॉस पी के हिसाब से निकालना है तो आधार का मान क्या होगा, चार। बोलिए, यस सर। और कौन बदलता है, नहीं। इसको ऐसे करके पांच, यहाँ से ऐसे हम लोग बंद कर देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हल करेंगे।